काल समस्त प्रणाम मु डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी प्रिय छात्र छात्रीगण आज आलोचना चक्र मीनिंग ऑफ हिस्ट्री जहाँ आपण मानकर प्रथम यूनिट रही अच्छी एस एस बी लेक्चरशिप सिलेबस पीजीटी सिलेबस मीनिंग ऑफ हिस्ट्री रो स्वतंत्र भाव में 20 प्रश्न को प्रस्तुत कर आज समस्त प्रस्तुति डॉक्टर सुमा चांद मैडम पुस्तक एवं अल्प केतेक प्रश्न उत्तर शेष समय चार पांचटी प्रश्न उत्तर मुग्रह कर शेख अल्ली पुस्तक आपण मैंने देखिपर ये आलोचना चक्र शुणला अधिक अभ्यास करें निजर परीक्षा उद्देश्य चलतु देखा प्रथम प्रश्न व्हिच इज नॉट ट्रू मेज अबाउट हिस्ट्री ए भितर जो दे पाने इतिहास सहित कौटा प्रकृत मेज खाऊ मेल खाऊ द रेकर्ड ऑफ द पास्ट लिटरेरी मीनिंग ऑफ हिस्ट्री साहित्यिक अर्थ हूँ कि यह अतीतर सब ग्रंथ बा रेकर्ड्स हिस्टोरिया इज ए ग्रीक वर्ड द हिस्ट्री वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड हिस्टोरिया शब्द हूँ ग्रीक्र शब्द ये इतिहास शब्द आसी हिस्टोरी मीन्स टू सर्च अनुसंधान करिबा होची इतिहास हेरोडोटस साइंटिफिक हिस्टोरियन तो पिला एक नंबर रो उत्तरटा हम डी ये प्रकृत मेज नु हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्टोरी थुसिडाइडिस साइंटिफिक हिस्टोरियन हेगेल होउचंती मॉडर्न हिस्टोरियन तो पिला ये उत्तर टी एक डी किंतु ए बी सी की मन रखिए पाने गोटे प्रश्न लिटरेरी मीनिंग इतिहास कौन व्हाट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ हिस्ट्री गोटे प्रश्न हो पारे फ्रॉम व्हिच वर्ड द हिस्टोरिया वर्ड इज केम हो पारे गोटे अन्य प्रश्न आ गोटे पारे हिस्ट्री मीन्स सर्च एक नंबर प्रश्न आपंकर आउ तीनो एक्स्ट्रा प्रश्न अच्छे तापर देखिए पे एक नंबर उत्तर डी मन रखिले मिसमैच अच्छे दुई नंबर देखिए प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेड बाय द अरिस्टोटल निम्न दि जाइया स्टेटमेंट भितर कौटा अरिस्टोटल कहते इतिहास हिस्ट्रियन अकाउंट ऑफ अनचेंजिंग फास्ट हिस्ट्री इज ए डिसिप्लिन व्हिच मेक मेन वाइज हिस्ट्री इज एसेंशियल ऑफ ए साइंस ऑफ रीजनिंग सिंस ऑल हिस्टोरिकल नॉलेज इज इनडायरेक्ट हिस्ट्री इज द अनफोल्डिंग स्टोरी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम ए भितर कौटा अरिस्टोटल कहते पाने तो पाने दुईर ए हम उत्तर हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ अनचेंजिंग पास्ट अपरिवर्तनीय अतीत इतिहास हूँ एक कहते ग्रेट दार्शनिक अरिस्टोटल तापर देखिए पाने तीन नंबर प्रश्न तीन नंबर प्रश्न कौन कौन ईएच केयर व्हाट स्टेटेड अबाउट द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री ईएच केयर जन दार्शनिक से इतिहास कौन मत रखुच्च हिस्ट्री इज एक्चुअली ए ब्रिज कनेक्टिंग द पास्ट विथ द प्रेजेंट एंड पॉइंटिंग द रोड ऑफ द फ्यूचर इतिहास हूँ अतीत आ वर्तमान भितर गोटे रास्ता जहाँकि भविष्य को आमको देखा हिस्ट्री इज कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री गोटे स्वयंचालित कंटिन्यू प्रोसेस चलती जहाँकि अतीत वर्तमान मध्य संपर्क जोड़ हिस्ट्री इज ए साइंस नो लेस एंड नो मोर इतिहास हूँ गोटे विज्ञान ताठू कि कम नुहे कि ताठू कि अधिक नुहे हिस्ट्री इज द इनडायरेक्टर इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रस्पेरिटी प्रोग्रेस आउ प्रस्पेरिटी रो इंडिकेटर हूँ हिस्ट्री माने रास्ता देखुच पाने तीन रोतर टी हम बी हिस्ट्री इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट एंड टू द फ्यूचर रोड देखिए कौच टू द प्रेजेंट टू द पास्ट तीन रोतर हम बी इज क्यारिडा कह तापर आम देखिया चार नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट ये चारिटा भितर कौ मैच इनकरेक्ट बाछबे
फ्रांसिस बेकन कहले हिस्ट्री मेक मेन वाइज, इतिहास मनुष्य ज्ञानी कर दिए। सेन बोस कहले हिस्ट्री ए साइंस ऑफ रीजनिंग। लॉर्ड एक्टन कहले हिस्ट्री ह्यूमन फ्रीडम स्टोरी। आलान नेविन कहले हिस्ट्री ए स्टोरी ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट। तो कौटा यू इनकरेक्ट अच्छे, चार नंबर रे उत्तर टी डी आलान नेविन यह कही ना स्टोरी ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट। आ सब ठीक अच्छे पे फ्रांसिस बेकन कहले मेक मैन वाइज, सेन बोस कहले ए साइंस ऑफ रीजनिंग, लॉर्ड एक्टन कहले ह्यूमन फ्रीडम स्टोरी, किंतु ये उत्तर टी चार रोच डी। नेक्स्ट देखिए आम पांच नंबर प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न आम कौन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स एंड बिलोंग फ्रॉम नेशंस। कौ व्यक्ति मैंने कौ देश आोटे मैच कर भितर कौटा भूल अच्छी बाछ। ग्रीक रु आरिस्टोटल लॉर्ड एक्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आलान नेविन अमेरिकन हिस्टोरियन अमेरिका आोल्टेयर इटाली आो पाने कौटा भूल अच्छे, पाँचर भूल अच्छे पाने डी भोल्टेयर इटाली आसीना। आउ सब पाने मन रखिए ग्रीक रे आरिस्टोटल ग्रीक, लॉर्ड एक्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आलान नेविन अमेरिकन हिस्टोरियन मन रखिए। तापर आम देखिए पाने छ नंबर प्रश्न, व्हिच इज द इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या कहुच्छे, हिस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, नेचुरल साइंस। छर उत्तर चाहिए पाने हिस्ट्री। हिस्ट्री की कहुच्छे उन्नत एवं प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी इंडिकेटर बोली इतिहास को कहुच्छे। तापर देखिए पाने सात नंबर, हु सेड हिस्ट्री इज ओनली द कलेक्शन ऑफ लाइफ हिस्ट्री। किए कहले कलेक्शन ऑफ लाइफ हिस्ट्री हिस्ट्री डे को, आर एमर्सन, वोल्टेयर, हेनरी फोर्ड, हेगेल। सात नंबर उत्तर पाला हम ए आर एमर्सन कहले हिस्ट्री इज ओनली द कलेक्शन ऑफ लाइफ हिस्ट्री, इतिहास हूँ जीवन रो कहानी इतिहास को कलेक्शन कराई आर डब्ल्यू एमर्सन कहले। आठ नंबर टा कौन कहले पे हु सेड हिस्ट्री इज बंक परीक्षार आसला, पूर्वतन एसएसबी परीक्षा गुड़ा गोटे आसला आर डब्ल्यू एमर्सन, वोल्टेयर, हेनरी फोर्ड, हेगेल। हेनरी फोर्ड पे उत्तर हम आठ रोचे सी हेनरी फोर्ड, से नकारात्मक चिंता कही हिस्ट्री इज ए बंक कही इतिहास। तापर वर्तमान देखा नौ नंबर, हु सेड हिस्ट्री इज जस्ट द पोर्ट्रेल ऑफ क्राइम एंड मिसफॉर्च्यून। इतिहास होची छोटो छोटो क्राइम आ दुर्भाग्यर कहानी किए कही आर एमर्सन, वोल्टेयर, हेनरी फोर्ड, हेगेल। तो पाने ये नौ उत्तर टाइम वोल्टेयर, वोल्टेयर कही समाज युगर क्रिमिनाल कहानी गुड़िक आ दुर्भाग्यर कहानी गुड़िक इतिहास लिखा जाए। वोल्टेयर गोटे नकारात्मक चिंता से प्रकाश करते हिस्ट्री विषय। तापर देखिए दस नंबर, व्हिच ऑफ द अमेरिकन बिजनेस टाइकॉन सेड हिस्ट्री इज बंक। हिस्ट्री इज बंक जी कही हूँ जड़े बिजनेस मैन अमेरिकार, से किए आर डब्ल्यू एमर्सन, वोल्टेयर, हेनरी फोर्ड, हेगेल। दस नंबर उत्तर सी हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड कही हिस्ट्री इज ए बम, से गोटे अमेरिकार बड़ बिजनेसमैन थे। तापर आम देखिए पाने एगार नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हिस्ट्री। कौ स्टेटमेंट इतिहास विषय सठिक, हिस्ट्री अलवेज रिलेटेड विथ ह्यूमन एक्टिविटीज, हिस्ट्री मानव कार्यकलाप सहित संपर्क, हिस्ट्री नारेट राइज ग्रोथ एंड कंटिन्यू ऑफ ऑल ऑफ सिविलाइजेशन, हिस्ट्री गोटे सभ्यतार उत्पत्ति अभिवृद्धि एवं प्रचलित कथा को वर्णना करे। चेंजेस इन आल्सो फ्यूचर ऑफ हिस्ट्री, जहाँ परिवर्तन होगुड़ी भविष्य गोटे गोटे इतिहास। ऑलवेयर द अबव सब जगह ठीक,
ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 11 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଡି ଅଲଦା ହେବ କାହିଁକି ଇତିହାସ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯାଇ ରଚନା କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଉତ୍ପାଦ ପତନ ଏବଂ ସଭ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଏ ଲେଖୁଛି ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ଇତିହାସ ଏବେ ବି ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ପିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ରୋଲ୍ କେଉଁ ଇତିହାସରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅତ୍ୟଧିକ ଭୂମିକା ରହେ ସୋସିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଜନେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଏସବୁ ଜାଗାରେ କେଉଁଟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହେ ତ କେଉଁ ଇତିହାସରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତ 12 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାମାଜିକ ଇତିହାସରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମେନ୍ସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର କେଉଁ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରଚନା କରାଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଜନେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଲଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି 13 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଡି କଲଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଲଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଆଉ ଜୀବନର କଥା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର ହୁ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଲ୍ ମେନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ସ୍ପିରିଟ୍ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ମେନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟ ଯିଏକି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ନିଜ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଏସ୍ ସି ବୋଷ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 14 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଏଇ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆମେ ଯାହା ଗୁରୁ ଦିବସରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଯେ ଅଲ୍ ମେନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ସ୍ପିରିଟ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର ହିଷ୍ଟ୍ରି 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବେଦ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ କେତେ ନମ୍ବର ବେଦ କୁହାଯାଉଛି ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସଥ ସେଭେନ୍ଥ ଏଇଟ୍ ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବେଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚାରି ପ୍ରକାର ରୂପ ସାମ ଯଜୁର ଅଥର୍ବ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ହେବ 15 ରହେ 5 ନମ୍ବର ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇତିହାସକୁ 5ମ ନମ୍ବର ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସୋସାଇଟି ୱାଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିନ୍ସ ଫର୍ ଦା କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱାରିୟର୍ସ କେଉଁ ସମାଜ କେଉଁ ଇତିହାସରେ ସମାଜର ଗୋଟେ ରାଜା ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା କିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ୱାରିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଶୈଳୀ ଲେଖାଯାଉଛି କେଉଁ ସମୟର ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଏବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିଡ଼ିଏବଲ୍ ୟୁରୋପ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସୋସାଇଟି ୟୁରୋପ ସୋସାଇଟି ମିଡ଼ିଏବଲ୍ ଆରବ ସୋସାଇଟି ମିଡ଼ିଏବଲ୍ ଆଫ୍ରିକାଲ ସୋସାଇଟି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ସେଇଟା କରିବେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ସୋସାଇଟି କେଉଁ ସୋସାଇଟି ତ ପିଲାମାନେ 16ର ଏଇଟା ଉତ୍ତରଟା ହେବ ସି ମିଡ଼ିଏବଲ୍ ଆରବିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଠି କେବଳ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ରାଜା ଆଉ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ବୋଲି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ହ୍ୱିଚ୍ ପିପୁଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରୀକ୍ ରୋମାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ତୁର୍କ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 17ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଗ୍ରୀକ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିଲେ ରୋମାନ୍ସ ତାପରେ ଆରବିଆନ୍ସ ମନେ ରଖିବେ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖାରେ କହିଲେ ସେଇଟା ହେବ ରୋମାନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ସେଇଟା ହେବ ଗ୍ରୀକ୍ସ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା 18 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର କ'ଣ କହୁଛି ପିଲା ହୁ ରିମାର୍କଡ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ନୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ବାୟୋଗ୍ରାଫି କିଏ କହିଲେ ଇତିହାସ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ସେୟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତିକା ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆର୍ ଡବ୍ଲୁ ଏମର୍ସନ୍ ଭୋଲଟେର୍ ହେନରି ଫୋର୍ଡ ହେଗେଲ୍ ଏ ଭିତରୁ କିଏ କହିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 18 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଏ ଆର୍ ଡବ୍ଲୁ ଏମର୍ସନ୍ କହିଲେ ଇତିହାସ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ନୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ବାୟୋଗ୍ରାଫି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜୀବନ କାହାଣୀ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାଇ କଲିଙ୍ଗୁଡ୍ କଲିଙ୍ଗୁଡ୍ କେଉଁ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଜି କଲିଙ୍ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଗୁଡ଼ା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆନ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅନ୍ଚେଞ୍ଜିଂ ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିବରଣୀ ଯାହାକି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହଁ
हिस्ट्री इज ए डिसिप्लिन व्हिच मेक मेन वाइज। इतिहास हूँ गोटे डिसिप्लिन दर्शन जहाँ कि मनुष्य को ज्ञान प्रदान करे। हिस्ट्री इज एसेंशियली ए साइंस ऑफ रीजनिंग सिंस ऑल हिस्टोरिकल नॉलेज इज इनडायरेक्ट। हिस्ट्री हूँ गोटे साइंस ऑफ रीजनिंग जोटा कि इनडायरेक्टली सब ज्ञान मिले। हिस्ट्री राइटिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी इन व्हिच द हिस्टोरियन फॉर्म ए मेंटल इमेज बाय हिज स्टडी ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। हिस्ट्री लेखाटा हूँ गोटे मानसिक कार्य जोटा कि ऐतिहासिक तार मानसिक चित्र को आणिक ये पेस्ट करें लगे थाए। ए भितर कौटा कही कलिंगु आर्जी कलिंगु मनुष्य डी हिस्ट्री राइटिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी इन व्हिच द हिस्टोरियन फॉर्म ए मेंटल इमेज बाय हिस्ट्री स्टडी ऑफ पास्ट या कहते आर्जी कलिंगु। तापर रहा पे ए भिडर शेष प्रश्न 20 नंबर प्रश्न हु सेड पावर करप्ट्स मेन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आर्जी एमर्सन रांके हेनरी फोर्ड हेगेल। किए कही क्षमता मनुष्य को पथच्युत करे अत्यधिक क्षमता सुनिश्चित पथच्युत करे ये कथा किए कही कोड़े रोच बी रांके। रांके कहले पावर करप्ट मेन एंड अब्सल्यूट पावर करप्ट अब्सल्यूट। मुशा कर आलोचना आपण मानक आगामी प्रतिजोगितामूलक परीक्षा उत्तीर्ण होवे सहायक। वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ समस्त प्रतिजोगितामूलक ग्रुप शेयर करूँ। वंदे मातरम।